अभी आज बोल सकते हो पूजा के पहले वाला दिन है, जिसमें सभी का बहुत सारा इंटरनल था, वाइवा था, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और अभी मेरा मुंह देख सकते हो, पूरा जुलूस से निकल रहा हूँ, हालत एकदम ख़राब होकर रखा है। तो कल गर्मी और बरसात ने मिलकर मतलब बैंड बजा के रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे सभी दोस्त लोग जा रहे हैं, आप सब देख सकते हो, यहाँ पे चारों तरफ पंडाल बन रहे हैं, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और ये आप देखो, यहाँ पे सब पंडाल बन रहा है। सो गाइस, अब मैं बहुत ही अच्छे से स्पॉट में आया हूँ और सभी यहाँ पे हंस रहे हैं। क्या सुन रहे हो? ब्लॉग लाइव। How's the Josh? अभी पूजा का माहौल है और अभी हम लोगों का क्लास का आखिरी दिन है टिल पूजा। पूजा के बाद हम लोग 16 तारीख को स्टार्ट करने वाले हैं और सभी का जोश और उमंग देख के मतलब मेरा भी अंदर और बहुत ज़्यादा मतलब मन कर रहा है कि अभी स्टार्ट करूँ और दसवीं के बाद घर पहुँचूँ, इतना मन कर रहा है ठाकुर देखने का। लेकिन अरमानों को कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक अंदर बहुत ही सुंदर सा झील है, यहाँ पे बिल्डिंग है और उधर आप एक तो स्लोप देख सकते हो, शायद मैं ठीक से उंगली नहीं, हाँ यहाँ आप देख सकते हो ठीक ऊपर में, वहाँ पे एक तो आपको रैम्प टाइप का मिल जाएगा। तो वो जो चीज़ है वो आपका मेट्रो रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे, ऑलमोस्ट शायद ख़त्म भी हो गया है। दैट माइट बी कनेक्टिंग टू द सॉल्ट लेक टू दैट माइट बी द ईस्ट में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मेट्रो। और मैं सुवा सरोवर के आसपास के एरिया से अभी व्लॉग कर रहा हूँ। जगह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आप ऑब्वियसली क्योंकि देखिए बागीचा है तो पत्ता फत्ता तो गिरा हुआ रहेगा ही, इतना बड़ा बगान को साफ रखना भी एक चैलेंज से कोई कम नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे मतलब माहौल बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि बारिश भी हो रहा है और गर्मी तो है ही, तो दोनों का एक तो अच्छा कंपोजर भी मिल रहा है यहाँ पे। और अभी आप लोग देख सकते हो ये जो रास्ता है ऐसे गोल घुमाव करके टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है। तो मेरे जितने भी सारे दोस्त थे तो उन्होंने बोला कि व्लॉग कर रहे हो कि नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ शुरू करते। तो सभी ने एकदम मतलब होश उल्लास से कैमरा में आए और देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो झील जो है यहाँ पे अलग ही शांति है, तो जिस शांति को हमने कुछ पलों के लिए मतलब तोड़ दिया है। और अभी तो आप देख सकते हो कि अंधेरा सा होने को आया है, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। और अभी आप लोग शायद यहाँ से देख पाओगे वो जो रैंप है, मे बी मेरे को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, कैमरा का थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मेरा कैमरा व्लॉगिंग के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, देखिए अंधेरा सा भी हो रहा है और डार्कनेस सा फील हो रहा है। तो वो जो एक स्लोप है वो हम लोगों का मेट्रो है, सॉल्ट लेक से होते हुए वो आइनॉक्स स्वाभूमि के आसपास से होते हुए सुभाष सरोवर, फिर फुलबगान से होते हुए सियालदा क्रॉस ओवर। और आपने सुना होगा कि गंगा के नीचे से टनल किया गया है कि हावड़ा को कनेक्ट करेगा सॉल्ट लेक से, तो वो यही वाला प्रोजेक्ट है। देख के बहुत ही अच्छा लगा। और ये एकदम झील के किनारे से जा रहा हूँ, देखिए झील के किनारे से मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। यस, क्योंकि मैं उतना रेगुलर व्लॉगर तो नहीं हूँ तो मेरा कैमरा के एंगल्स में मेरे को सेंस नहीं है, उसको करते करते मेरा हैबिचुएशन में होएगा। तब भी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर, मैं सबसे आखिरी में चल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, हम लोग एक ग्रुप में आए थे और बहुत ही मस्त लग रहा है, एक्साइटेड हो गया हूँ फॉर दैट। वो तो भूलने का चीज़ नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो बोट है, आप ये चीज़ देख सकते हो, ये जो बोट है तो इसमें शायद असली में बोट है या मिट्टी का, शायद मिट्टी का भी हो सकता है, हाँ मिट्टी का ही है। उसके अंदर लोहे का जो होता है ना ढांचा देखा मैंने, तो जैसे हम लोग घर बनाते तो उसके अंदर लोहे का ढांचा देते, तो इसमें भी वही चीज़ है, इसको मिट्टी से बनाया गया, उसके ऊपर से मिट्टी रखा गया, जस्ट लाइक हम लोग घर में पौधे वगैरह लगवाते हैं
तो पौधे लगवाने के लिए बाहर का जो मिट्टी का जो चीज़ है, पॉट जिसको कहते हैं, गुलदस्ता रखने के लिए जो चीज़ है, तो वही चीज़ यहाँ पे उसको मिट्टी का जब नाव के शेप में देने के लिए तो लोहे का ढांचा दिया गया अंदर से और मिट्टी से बनाया गया है। और यहाँ पे सभी मछली पकड़ रहे हैं, आप देख सकते हो। सही है, ये पुल तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे कलकत्ता में एक और जगह है जिस जो तो बहुत ही फेमस है। आप एयरपोर्ट से आइए या हावड़ा से आइए, कहीं से भी आइए, रास्ता बहुत ही अच्छा है। आपको आना पड़ेगा इको पार्क। इको पार्क इज़ वन ऑफ द मतलब अलग ही कंसेप्ट है, वो जगह ही बहुत अच्छा है। एंट्री फीस शायद 30 रुपये है अंदर जाने के लिए, और वहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। और अभी मेरे सभी दोस्त यहाँ पे गैदर हुए हैं फॉर ए शॉर्ट ब्रेक, और मैं भी आस्ते आस्ते उनके पास जा रहा हूँ, देखूँगा कि वो लोग कैसे फील करते हैं। ये वाला बहुत ही कंटिन्यूस हुआ, 5 मिनट तक चला ये वाला व्लॉग, ये क्लिप। तो गाइस अभी मैं सियालदा आ चुका हूँ। सियालदा में आप पहले जैसे ही चेहर पेल देख सकते हो, और यहाँ पे अभी भीड़ है, कोई 20 रुपये का शर्ट मिल रहा है, ओनली सियालदा में मिल सकता है, शायद हावड़ा में भी आपको मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे कुछ एक शायद रैली टाइप का कुछ चलने वाला है, जिसके वजह से शायद मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो नेशनल फ्लैग, ऐसे सर्किट यही एक जगह पे है नेशनल फ्लैग, बेरी यही। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल सा भीड़ है ये। और यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ दिखाने को भी नहीं है, आप पीछे स्टेशन ही देख लो, क्योंकि इसके बाद से RPF की चौकी स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पे मैं तो कुछ रिकॉर्ड करने वाला नहीं हूँ, बेकार समय ना क्यों लेना। तो यहाँ से एक तो लोग इतना ज़्यादा है कि यहाँ से आप देख सकते हो है, यहाँ मेरे पास में एक अंकल बीड़ी स्टार्ट कर दिए, दूरा वो बाकी वाले बलन वाले, तो दो तीन दिन खराब ही नहीं रह पाया। जो भी हो, आप मेरे पीछे यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो फ्लैग, शायद आपको दिख जाएगा। लाइट नहीं है अच्छा, तो हवा भी नहीं है, विंड भी नहीं है, तो इस चीज़ के लिए फ्लैग लहर नहीं रहा है। और घुस तो चुका उसी अलग स्टेशन के अंदर, मेरा ट्रेन दे दिया 6 नंबर में, पास में एक तो ट्रेन है, देखते हैं। Yeah.
जिसको जिसका जो काम है वो अपना काम करता ही रहेगा, कोई किसी के लिए बैठा नहीं है, आपको ये बैठे नहीं रहना है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे जो लोग साफ सुथरा करने का काम कर रहे वो लोग किसी के लिए बैठे नहीं है, तो आपको ही किसी भी हालत में बैठे नहीं रहना है। और ये वाला जो इमेज है भाई साहब वो गजब गजब है। ये वाला एक तो ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म से निकल रहा है, गुजर रहा है उसका इमेज। और सेकेंडली ये आप जो लाल रंग का बिल्डिंग देख रहे हो वो DRM ऑफिस है सियालदा का, वहाँ पे मतलब सियालदा डिवीजन को कंट्रोल किया जाता है, डिसीजन सब वहीं पे होता है। और एक तो ट्रेन वहाँ से निकल चुका है आप देख सकते हो। देखिए करना तो ख़तरनाक है ऐसे वीडियो, लेकिन मेरे को पता है कि अभी बहुत टाइम है, तो इसलिए मैं एकदम शांति से खड़ा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। अब पुलिस RPF का भी खतरा रहता है, अगर वो लोग देखते हैं तो एक डर है, उनके सामने डिलीट कर दूंगा अगर वो देख लेते हैं तो, नहीं तो कोई नहीं। अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब एकदम शांति से बनाया हूँ वीडियो और अपलोड भी कर दिया। और देखिए अब ट्रेन भी निकल चुका है, देखिए अब फट जाएगा इसके ऊपर का पिक्सल, मतलब जूम करूँगा तो एकदम सबसे मैक्सिमम में रखा हो। देखिए लोग भी किस तरह से उठ रहे हैं ऑपोजिट साइड से, आपको दिख भी रहा होगा। तो कोई किसी के लिए बैठा हुआ नहीं है, बस निकल गया एक ट्रेन तो निकल गया। और गाइस यहाँ पे अभी मैं आ चुका हूँ सियालदा स्टेशन में और ये मेरा ट्रेन है, मेरे को इसी से जाना है अपने घर। और ये पास में है लालगोला एक्सप्रेस, तो आप देख सकते हो लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों ही पास पास में दिया हुआ है। और ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, तो इसमें क्या दिखाना, मतलब शायद आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत नया चीज़ हो सकता है, लेकिन अब मैं तो डेली पैसेंजर हो गया हूँ तो मेरे को ये चीज़ एकदम मेरे साथ नॉर्मल सा बात है। तो ट्रेन में अब ब्लॉक करना तो अब वैसा एक्साइटमेंट रहा नहीं पहले बचपन जैसा। और मेरा ट्रेन मतलब फाका ही है, आप देख सकते हो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, देख लो गेट में ही देख लो ज़्यादा लोग नहीं है। और अभी मैं ट्रेन में बोर्ड करूँगा, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा गया दिन, भूलने लायक तो चीज़ तो रहेगा ही नहीं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा प्रेशर था।